मैं हमेशा एक बात और कहता हूं आपसे कि आने वाला समय आपका है, कार्यकर्ता हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में से ही जनप्रतिनिधि बनते हैं, कार्यकर्ताओं में से ही पदाधिकारी बनते हैं। और जब कार्यकर्ता हमारा मन और भाव से निकल करके आता है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता को नीचे से ऊपर लिया जाता है, बाकी और कोई ध्यान नहीं करता है। अगर कहीं पूरे देश, पूरा प्रदेश अगर कहीं देख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देख रहा है। राजनीतिक दलों ने जिस तरह की स्थिति खराब की है उनको एक आशा की उम्मीद है, तो सिर्फ जनता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हमारी है। आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं, कार्यकर्ता जिस मन और जिस भाव से काम करता है कार्यकर्ता का पूरा सम्मान रहेगा। आप सभी लोगों ने जो मेहनत की है और राजस्थान में जिस तरह से आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई है, आने वाले समय में केंद्र में भी हमें जो जिस आशा उम्मीद के साथ 400 सीटों से ऊपर लेकर के नरेंद्र मोदी की हमने कहा है, हमारा घोषणा पत्र है। पहले दिन की बैठक में हमने कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के आधार पर हमारी सरकार चलेगी। तो महिलाओं के अत्याचार हुआ है, हमने कहा कि महिलाओं की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, महिला और बालिकाओं की जिम्मेदारी हमारी सरकार संकल्पित है कि महिला अत्याचार नहीं होंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत और एक जवाबदेही सरकार के लिए आप सभी की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस देश में संवेदनाएं जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों ने खत्म की है, हमें उन संवेदनाओं को ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति की समस्या हमारी समस्या होगी, इस भाव से हमें चलना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार ने जो हमने संकल्प लिए हैं चुनाव से पहले, उन संकल्पों को पूरा करेंगे। इसे राजस्थान की जनता ने जो हमारे प्रति जो भाव और जो मन बनाया है उसको पूरा करने के काम करेंगे। आपने जो मान और सम्मान दिया और एक बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम राष्ट्रपति महोदय जी का किया, महामहिम जब मैं मिलने गया था तो उनका कार्यक्रम महामहिम जी का पहले आ गया था, लेकिन जब मैं मिलने गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि मुझे जैसलमेर कार्यक्रम है, तो मैंने उनसे निवेदन किया था एक कार्यक्रम आप हमें दीजिए, हमें भी सरकार का एक कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा और हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम हमें मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने कार्यक्रम दिया और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा आपके काम के लिए हमेशा एक कार्यकर्ता की तरह खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।